ख्वातीनों हजरात, वेलकम टू प्रेसिंग मैटर्स। यू आर वॉचिंग पाकिस्तान नंबर वन फुटबॉल पॉडकास्ट। आज की एपिसोड में हम मैच रिव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो सैफ चैम्पियनशिप में हुआ है, ग्रुप स्टेज ओपनर। और मेरे साथ यूजुअल गेस्ट ऑन द शो इज शेख हमदान, हेड कोच एट कराची यूनाइटेड एंड यूएफए लाइसेंस कोच। हमदान, क्या हाल चाल है? हाउ इज इट गोइंग? ऑल गुड मैन, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? ऑल गुड। बस मैच के बाद थोड़े ऑब्वियसली मूड थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ हुआ है, बट उस पर बात करते हैं। बट बिफोर वी गेट इन टू द मैच, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। हम पाकिस्तानी फुटबॉल और पाकिस्तानी एमएमए को काफ़ी सालों से कवर करें, एंड वी रियली रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। कीप डूइंग दैट एंड ऑल्सो शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड हूएवर यू थिंक वुड लाइक दिस कॉन्टेंट। एनी वे हमदान, सीधा मुद्दे पर आते हैं। कैसी लगी परफॉर्मेंस? कैसा, हाउ आर यू फीलिंग? यार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको इनिशियली फैक्टर में लेना पड़ेगा अगर आप उस परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस ही की बात है तो लेट्स जस्ट बेसिकली सिंपली टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड नॉट अबाउट एनी ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, ऑल्दो आई फील द कॉन्टेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप बात करें तो डिफेंसिवली आई थिंक सिंस डे वन व्हेन दिस टीम रीस्टार्टेड और वो एक मशीन नई स्टार्ट हुई थी और नेपाल का गेम था, और मुझे अब अच्छे से याद भी, हमने जब वो मालदीव्स का गेम एनालाइज किया था हमने उस वक्त भी बात की थी कि डिफेंसिव शेप और डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस में एक मेजर प्रॉब्लम थी। और उस वक्त तो हमने एक शुरू में बात की थी कि यार ठीक है, एक नया नई टीम बनी है, इट टेक्स टाइम, कुछ नए प्लेयर आ रहे हैं, कुछ एडजस्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। बट आई थिंक वो वही चीज़ जो है वो कंटिन्यू हुई है हुई थी मॉरिशस के अगेंस्ट, वही चीज़ कंटिन्यू हुई थी जिबोटी के अगेंस्ट माइनस द केनिया गेम, और वही चीज़ कंटिन्यू हुई इंडिया के अगेंस्ट भी। हुआ फ़र्क एक मेजर ये है कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑपोजिशन इंडिया वॉज पॉसिबली द हाइस्ट और द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन पाकिस्तान ने जब तक खेला है। इसी वजह से आपको एक चीज़ की फीलिंग आ रही होगी कि यार दे कुड कार्व यू ओपन एवरी टाइम दे हैड द बॉल। और अगर पॉसिबली बारिश नहीं होती जिससे पिच स्लो हो गई थोड़ी सी, और उनके प्लेयर्स के फाइनल थर्ड में डिसीशन मेकिंग और वो अगर स्लाइटली बेहतर होती तो मैं सरप्राइज नहीं होता अगर ये रिजल्ट 6 और 7 नील होता, क्योंकि जितने ईज से वो तोड़ रहे थे हमारे मिडफील्ड और डिफेंस लाइन को दैट वॉज नॉट सरप्राइजिंग। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, हमने शो में भी बात की थी और प्राइवेटली भी हम इस बात को कह रहे थे कि समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट दिस डिफेंस, अदरवाइज विल कीप ऑन लीकिंग गोल्स। सो ये सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्योरली फ्रॉम अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू। इन पोजेशन जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि देर वॉज नथिंग इन इट, वी कैन डिस्कस इट लेटर इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉट शुड द टीम पॉसिबली डू इन द शॉर्ट टर्म और सो ऑन। बट या दैट वॉज माई क्लियर बेसिक आइडिया। बट यार देव हैड अ हॉरिबल पास 48 आवर्स मैंने इसी की बात करनी थी, का तो वो बिल्डअप और या इस पे सवाल मैं करता हूँ। पहली तो बात हाँ यह है कि हम अगर उसकी बात करें कि इंडिया हमेशा कार ओपन कर सकती थी जब भी उनका दिल करे, मेरे ख्याल से। और वो भी कार ओपन सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी अपनी ना फाइनल बॉल या वो कुछ ख़राब हो रही थी, और वो भी बारिश या उसकी वजह से, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की वजह से गेम स्लो होगी और वो होगी। वरना इंडिया भी, अगर मुझे मुझे तो ये फीलिंग आई थी कि इंडिया फिफ्थ गियर में गई नहीं, इंडिया कभी निकली नहीं अपने उसके अंदर। और इंडिया के लिए जिस तरह हमने प्रीव्यू क्योंकि आई एपिसोड में थिंक वो बात की टू थी, जीरो वो 2-0 होने के बाद ऑटोमेटिकली वो एक थोड़ा सा रिलैक्स जल्दी मोड टू हो नल हो चुका गया था। था। फिर हाँ दूसरा प्रीव्यू एपिसोड में बात हुई थी कि सैफ चैंपियनशिप इंडिया के लिए अब इतने मायने नहीं रखती, ठीक है। इंडिया बहुत सही कह डिफरेंट एक ट्रेजेक्टरी पे, इंडिया बहुत डिफरेंट लेवल पे है। इट्स लाइक के आप ना मैनचेस्टर सिटी को बोलो कि यार ये लोग जो हैं वो कैराबाओ कप थर्ड राउंड को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? भाई वो नहीं लेंगे अगर किसी, मतलब एक डिफरेंट दुनिया में वो चल रहे हैं, तो वो सारा है। लेकिन इसको अगर हम बात करें, जिस तरह यू सेड के पाकिस्तान का जो बिल्ड अप टूवर्ड्स द मैच था, जो प्रेप थी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, लीडिंग अप टू द मैच, वो जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं, इट वॉज हॉरेबल। वीज़ा उनको सेकेंड लास्ट डे पे इशू हुआ है, मॉरिशस में टीम स्ट्रैंडेड थी, मॉरिशस से वो लोग, उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी है, फिर बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन की वजह से मुंबई में उनको डिले हुआ है, तो दे कुडंट कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट टू बेंगलोर।
जब कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ी उधर की, फिर अगली कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी पड़ी, तो एसेंशली टीम मैच वाले दिन पे कुछ घंटे पहले होटल पहुंची है, विच इज क्रेजी, विच इज एब्सोल्यूटली एब्सोल्युटली क्रेजी। लेकिन हम ना, अगर हम इसको, लोग कहेंगे यार इसको तो कॉन्टेक्स्ट में आपको डालना जरूरी है परफॉर्मेंस के, तो नो नो आप क्या हंड्रेड बोलोगे? परसेंट इसीलिए नहीं, देखो मैंने इसीलिए एक बात बोली कि 100% कॉन्टेक्स्ट में डालना जरूरी है, क्योंकि आप बात ये नहीं कर रहे हो कि यार 4 घंटे आप डिले हो गए हो आपके स्लीप साइकिल, यहाँ हम बात कर रहे हैं 24 घंटे, और उन टर्म्स में बात कर रहे हैं कि लेट नाइट फ्लाइट है वो पूरी लेट। आपको पता है जहाज में, अनलेस आई डोंट नो बिजनेस क्लास में उन्होंने ट्रैवल किया हो तो सो सकते हैं जहाज में, बट अगर इकोनॉमी में किया तो यू कैन नॉट स्लीप फॉर दो 7-8 आवर्स, देन यू आर स्ट्रैंडेड ऑन द एयरपोर्ट। आप एक दिन रात को नहीं सोते हो, योर बॉडी इज वल्नरेबल टू ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मसल प्रॉब्लम्स, ऑफ फटीग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो यस, मतलब यू हैव टू टेक इट इन टू कॉन्टेक्स्ट। बट मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर था, आई कैन टेक एनी थिंग एंड आई एम एब्सोल्युटली विलिंग टू अंडरस्टैंड कि यार ये हॉरिबल था, बट एक 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 एलिमेंट होता है ना कि फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स हमें एक क्लियर, वो जो एक प्लान है जिस तरह से डिफेंड करे जाते हैं, जो डिफेंसिव प्रिंसिपल्स नजर आए, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स। जो डिफेंसिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी एक स्टेज पे भी नहीं नजर आए। देखो आई मीन आई डोंट वॉन्ट के फैंस मेरे पे चढ़ जाएं कि मैं क्रिटिकल नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको जनरल बात बता रहा हूँ। वो 10 मिनट जब आप पाकिस्तान इंडिया का गेम खेल रहे हो, फैंस की आवाज, यू ड्रीम्ड ऑफ दिस डे, मतलब मुझे गूज बम्स आ रहे थे बैठे हुए सोच के दिन भर, तो फैंस को भी वो जो फटीग के एलिमेंट है, दैट एड्रेनलिन टेक्स यू अप, दैट एनर्जी लेवल आपका 10-20% ऊपर होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप 100% रेडी हो जाओगे, वो होता है। तो ऐसा नहीं था कि ज़ॉम्बीज थे, यस देयर वाज समथिंग इन द टाइम, 20 मिनट्स आई'ल बी 20 मिनट्स, आई'ल बी 20 मिनट्स, वो 20 मिनट भी कभी भी हमने हमें देखने को नहीं मिले। मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि वेयर वर दोज आइडियाज, वेयर वर दोज प्रिंसिपल्स, एंड एग्जैक्टली व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स। आई टू दिस डे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम नेपाल, आई थिंक नेपाल प्रॉबली वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द टीम आफ्टर केनिया, और उसके बाद मॉरिशस, मालदीव, जिबोटी, इंडिया, ऑल हैड दैट सेम थीम इफ यू लाइक इट। बिटवीन द लाइन्स गैप बहुत ज्यादा है, बिटवीन यूनिट्स गैप बहुत ज्यादा है, हॉरिजॉन्टली अच्छा, वर्टिकली बिटवीन गैप्स यूनिट्स, बहुत एक ज्यादा है। सेकंड, लेट्स लेट्स ब्रेक इट डाउन लेमन टर्म्स में, जरा हम कर देते यार हैं। आउट ऑफ मिडफील्डर्स, पोजेशन की अगर हम बात करें तो क्या मस्त, लाइक इन सिंपल यार टर्म्स। आउट ऑफ, यार देखो आउट ऑफ पोजीशन मुझे नहीं पता आइडिया क्या है और अच्छा, कहाँ एक तो प्रेस मसला करना ये चाहते है, हैं। बिफोर वी गेट इन टू डिटेल, मसला ये है कि कभी कभी क्लियर आइडिया का भी नहीं पता, क्योंकि फॉरवर्ड लाइन कभी प्रेस करती है, कभी आपका विंग बैक जो है वो प्रेस कर रहा है ऑपोजिट विंग बैक पे, अगर बॉल किसी के पास है कभी वो आउट ऑफ पोजिशन आ रहा है, लेकिन बाकी बाकी यूनिट्स, बाय यूनिट्स वी मीन के फॉरवर्ड मिडफील्ड डिफेंस जो तीन लाइनें हैं सो वो बाकी नहीं मूव करती साथ, तो अभी कन ये भी नहीं पता कि डिफेंस डीप खड़ी होती है यार मे और बी हाँ मे बाकी। बी मे बी मैं और तुम सही से नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से हमें क्लियरली आइडेंटिटी नहीं पता चल रही कि कब प्रेस करना चाह रहे हैं और कब नहीं चाह रहे। बट एक चीज जो मैं देख के बता सकता हूँ, जो तुम भी बता सकते हो, मिडफील्डर्स के दरमियान, चार मिडफील्डर के जैसे लाइन थी कल 5-4-1 में जब खड़े हो रहे थे, वो चार मिडफील्डर बहुत वाइड अपार्ट थे, बीच से पासेस जा रहे थे। आई वुड अगर इवन हो से इट सके फाइव वॉजेंट, जिस तरह का वो स्ट्रक्चर था, आई वुड से वो 4-5-1 नहीं था, वो 5-2-3 फोर था, 5-2-3 था, क्योंकि वो जो हाँ ओतेस और हारून थे, वो कभी भी, वो चार कभी एक लाइन में मैंने देखे ही नहीं थे। यार आए थे बट वो हाफ एंड हाफ थे और हाफ नहीं थे, फिर वो बीच इतनी खाली थी, तो आप मैंने ये नहीं फाइव देखा ना, टू क्योंकि थ्री देखो हाँ चार में जब आप डिफेंड करते हो तो चार, आप अगर यूनिट एक है तो एक यूनिट वो होता है जो एक लाइन में खड़ा होता है, ये तो दो आपस फिर में खेल रहे थे, और या विंगर्स जो थे वो मोर अटैच टू हसन बशीर, कि अगर हसन बशीर हाँ ने उधर प्रेस ठीक किया तो है हम उधर चले या जाएंगे। बट फिर वो फिर प्रॉब्लम क्या थी कि बिटवीन द लाइंस भी स्पेसेस बहुत ज्यादा थी, यानी डिफेंस लाइन, मिडफील्ड लाइन, फॉरवर्ड लाइन, उनके दरमियान भी बहुत ज्यादा जगहें खाली थी, बीच भी बहुत ज्यादा खाली था। तो ये शुरू डे वन से है, मैं ये प्लीज नहीं डिस्काउंट कर रहा कि बहुत बुरा 48 आवर्स से, बट आई एम सॉरी, बट 10 मिनट और 15 मिनट हमें वो एक एक अप्रोच, एक प्रिंसिपल, एक क्लियर आइडेंटिटी, ये चाह रहे हैं हम इस तरह से डिफेंड करते हैं,
वो मुझे नहीं दिखी, मे बी आई एम मिस्टेकन, बट मुझे वो नहीं दिखी, ये मेरा व्यू था, मैं कॉन्टेक्स्ट को नहीं हटा रहा। यार जो मैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट को मैं डिस्कस करने वाला था, एंड दिस इज नॉट डाउन टू द टीम, दिस इज नॉट डाउन टू द कोचेस, दिस इज नॉट डाउन टू द प्लेयर्स, नेपाल वाला गेम वॉज अक्टूबर, वॉज इट नवम्बर दिसंबर जनवरी, वॉट वॉज आई द थिंक टाइम लाइन? अक्टूबर या उससे भी पहले, आई एम नॉट श्योर, देखना है। अराउंड अबाउट 9 महीने हो चुके हैं उस टाइम पीरियड को जब नेपाल से हमने मैच खेला था, और उस मैच के बाद मैंने और आपने एक बात बोली थी जो मैं उस चीज पे बहुत एम्फसाइज कर रहा था कि देखो ये कोई फायदा नहीं है अगर हम नवंबर में खेल था, रहे हैं, नवंबर में था तो इट्स ऑलमोस्ट 10 मंथ्स, नहीं 9 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 मंथ्स, 8 महीने पहले हमने बात की थी कि यू हैव टू हैव अ लीग सेटअप वेयर योर प्लेयर्स आर प्लेइंग रेगुलरली, ये कैंप सिस्टम पे नहीं चल सकते, ये कैंप सिस्टम पे नहीं चल सकते, मैच प्रैक्टिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, मैच एनवायरनमेंट, दैट मेंटेलिटी, द हाई परफॉर्मेंस लाइफ स्टाइल, द लाइफ स्टाइल टू गो इन प्ले अ गेम वीक इन वीक आउट टू अचीव समथिंग, टू हैव दैट प्रेशर, ये सारी चीजें 8 महीने पहले हमने बात की थी कि यार अभी तो वक्त दो, अभी तो टीम शुरू हुई है, जब तक ये नहीं होगा तो हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पर अभी भी 9 महीने बाद या 8 महीने बाद अभी भी हम वहीं खड़े हुए हैं, और अभी भी हम ये कॉन्टेक्स्ट को फिर से लेके आ रहे हैं कि यार देखो वो लीग तो नहीं चल रही, अभी भी आप उनसे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि इट्स डिफरेंट ना, इंडिया को आदी है, इंडिया के प्लेयर्स ISL में खेलते हुए आदी हैं, 5-10 हज़ार फैंस के साथ वो खेलते हैं, ये हमारे आप डायस्पोरा प्लेयर्स को निकाल दो, बाकी जितने प्लेयर हैं उन्होंने कितनी बार फैंस के साथ किसी प्रेशर एनवायरनमेंट में मैच खेला है, लीव फैंस कितनी बार प्रेशर एनवायरनमेंट में लास्ट वन मैं ईयर वही में बोल रहा हूँ ना, कुछ इंडिया वाले तो अपनी खेला लीग को छोड़ दो, इंडिया वाले जाके खेलते हैं थाईलैंड, फलाना ढमकाना, कतर शतर, ये एएफसी और AFC चैम कप खेल रहे हैं, एएफसी उसके AFC अंदर चैंपियंस लीग रेगुलरली खेल खेल रहे रहे हैं, हैं। उनके प्लेयर्स, उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, सो आप हटा दो अगर जिस तरह से गेम वो खेल रहे हैं, जो कि मैं क्रिटिकल उस पर भी हूँ क्योंकि डिफेंस इज वन वन ऑफ द थिंग्स जो आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट ये वाली जो बाकी साइड की चीजें आप उसको नहीं डिस्काउंट कर सकते अनफॉर्चुनेटली, एंड समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड समवन हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई जब तक आप लीग स्ट्रक्चर नहीं करोगे, आप ओटिस खान को ले आओ या आप ओटिस खान को बोलो ग्रिम्सबी के बेस्ट प्लेयर को ले आओ और उसके ताल्लुकात से पेप को ले आओ और पेप आ जाए कोच और उसके बाद पेप बोले मैं बेस्ट स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ले आऊंगा, कुछ नहीं चलेगा अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं चलेगा, हम 20 मिनट शायद अच्छे आइडेंटिटी और प्रिंसिपल दिखा देंगे पेप के साथ, फिर इट विल ऑल कम क्रम्बलिंग डाउन वंस वंस यू फेस एडवर्सिटी, वंस यू फेस दैट प्रेशर, क्योंकि कभी लीग में तो क्या होता है ना कि 22 गेम खेल रहा हूं मैं एटलीस्ट, ओके आज के गेम में 60 मिनट में 3 गोल खा लिए मैंने, नाउ आई हैव टू कम बैक फ्रॉम दैट, सही है गेम के अंदर भी ओके दैट मोरल दैट इंटेंसिटी दैट लाइफ स्टाइल वो तो है ही नहीं हमारे प्लेयरों में अनफॉर्चुनेटली, जिसमें प्लेयर का कोई कसूर ही नहीं है यार, बात हो रही है हम क्लब सिस्टम पे जाएंगे यार, वेरी गुड ब्यूटिफुल इन थ्योरी यार, इन द मीन वाइल कैन यू जस्ट स्टार्ट डिपार्टमेंटल लीग जिससे आप ट्रांजिशन करो क्लब लीग के अंदर, लाइक सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन प्लान के इन द मीन वाइल ये आपके प्लेयर, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई थिंक द सुफियान चैप लेफ्ट बैक जो खेल रहा है वो मेरे ख्याल से ही हैज पोटेंशियल, ही इज अ गुड प्लेयर डिसेंट प्लेयर, प्रॉब्लम क्या है कि उसको बेचारे को मैच सिनेरियोज में वो नहीं खेल रहा, तो कहाँ से हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि यार क्या वो मतलब मैच डिसीजन सिनेरियोज में नहीं खेल रहा? मतलब कहाँ खेल रहा है मैचेस वो अच्छा बापटा यू ने मीन शायद के एक्सपी वो नहीं? मैच को, हाँ हाँ अच्छा, मतलब मैं इस कैसे इसी 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 पॉइंट को ट्रब ये अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि आई थिंक हम प्राइवेटली बात कर रहे थे कि यू लास्ट वॉच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 6 years ago, सिक्स ईयर्स उसके अगो बारे में जरा आई बताओ और फिर आगे लेके चलते हैं उसको कि यार उसका छह क्या साल कॉन्टेक्स्ट है। यार 6 साल या 7 साल पहले मुझे नहीं पता, मैं उसका KU में ही था एग्जैक्ट टाइम लाइन, आई थिंक 3-1 स्कोर था या 2-1 स्कोर था, वन और दी अदर, बारिश हो रही थी वो और हम सेम तरह की फुटबॉल खेल रहे थे, हम भी डज उड़ा रहे थे वो भी उड़ा रहे थे, कोई भी गेम जीत सकता था कोई भी गेम हार सकता था, उस दिन हम हार गए। 6 ईयर्स डाउन द रोड मैंने आज इंडिया को देखा है खेलते हुए, मैंने उसके बाद इंडिया को बीच में नहीं देखा बारिंग 1 30 मिनट गेम मैंने कतर के अंदर देखा था, कतर इंडिया अंडर 19 वर्सेस कतर अंडर 19, एंड आई वाज शॉक उस 20 मिनट के अंदर भी, मैंने कहा शिट यार ये तो किसी अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट अंडर 19 थी, मैंने कहा पॉसिबली हमारी अंडर 19 भी
कुछ ना कुछ फ्लीटिंगली कर ही लेगी। अभी मैंने उनको देखा है 6 साल बाद, और अब मैं बोल रहा हूँ वो डिफरेंस 6 ईयर्स का नहीं है। एक्चुअली इंडिया आर 15-20 ईयर्स अहेड ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ करेंटली। सो इफ यू वर सो पुट इट डाउन टू, यू वुडंट से इट्स अ गल्फ इन क्वालिटी पर से, व्हाट वी से इट्स अ गल्फ इन स्ट्रक्चर, गल्फ इन सिस्टम, गल्फ इन एक गल्फ इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यार सिंपल है, क्योंकि उस इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर भी आ रहा है, प्लेयर भी आ रहा है, कोच भी आ रहे हैं, और अभी माहौल भी हमने आ ये भी रहा है। बात की है उसमें, उधर डायस्पोरा प्लेयर नहीं है, जिस दिन उन्होंने वोट, तो ये आई सारे डोंट वॉन्ट लोकल है। टू नहीं, या आई आई डोंट डोंट वो, वॉन्ट टू डिस्कस आई एम नॉट गोइंग दैट। टू टॉक हाँ अबाउट, मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज यार आई नॉट एन गिव यू अनदर, आर्ग्यूमेंट, सुनो सुनो आई गिव सुनो, दिस यू इज नॉट एन हाँ आर्ग्यूमेंट कि डायस्पोरा होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मुझे पता है होने चाहिए, हमने सारी बात की है। हाँ मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये सारा जो है ना, ये इंडिया की जो भी टीम देख रहे हो, ये सारा इनका अपना प्रोड्यूस प्लेयर है, और एब्सोल्युटली ये इन्होंने ऐसा ही 15 पे 20 साल के काम पे किया है, है। और अभी और ऊपर जाएंगे। मैं अभी जब एस्पायर में था तो मैं उनके, क्योंकि इंडिया KU के आने से 1 हफ्ता पहले इंडिया की अंडर-17 टीम वहां पर मौजूद थी, तो मैंने मैंने ऐसे ही पूछा जो ऑर्गेनाइजर से कि यार वो अच्छा इंडिया आई थी क्या रिस्पॉन्स है। वो कह रहे थे कि हमने इंडिया इंडिया ऑल AIFF से पहले भी डील किया हुआ था आज से काफी टाइम पहले, बट कह रहे थे दिस टाइम राउंड देयर वॉज अ क्लियर पर्पज ऑफ वट दे वॉन्टेड टू डू। दे सेड कि यार ये हमारा, वे बिल्डिंग अप टू समथिंग एक्स अमाउंट, हमारे ये प्लेयर्स इसी सिस्टम में मौजूद हैं, इनको हम इतना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। दे हैड द प्लान्स ऑफ टेकिंग देम फ्रॉम हियर टू देन स्पेन, विच दे इवेंचुअली डिड। आई थॉट कि वो ऐसी मुंह की हवाई फायर होगी, हम पाकिस्तानी इंडियन साउथ एशियन एमी कुछ भी बोल देते हैं ना, एमी फॉर द सेक ऑफ इट। तो मुझे उस वक्त उन्होंने बताया था कि यार इनका ये प्लान है, क्योंकि उनको होता है कि यार लीग स्ट्रक्चर अभी अंडर-16-17 लेवल पे इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ हुआ फिलहाल, यूथ ग्रास रूट मॉडल। तो उन्होंने कहा कि हम अपने इस एक बैच को ऐसा एक्सपीरियंस देंगे जहाँ पे वो हर वक्त हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स और हाई परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट्स में मौजूद रहे। सो कतर में दे हैड अ 2 वीक ट्रेनिंग कैंप विद द प्लेड द कतर अंडर-17 और एस्पायर आई थिंक थ्राइस, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, वन वॉज अ ड्रॉ, वन वॉज वन इंडिया वन एंड कतर वन वंस, ये तो मुझे 100% पता है। वट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि यार वो ये कह रहा था कि यार इट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट इंडियन फुटबॉल फेडरेशन राइट नाउ, दे हैव अ क्लियर पर्पज और एक उनके पास मकसद आ गया है कि ये हासिल करना है अभी हमें। तो 6 साल पहले हम ऑलमोस्ट सेम रास्ते पे थे, ISL स्टार्ट हुए भी कितना टाइम हो गया, 10 साल हुए हैं मेरे ख्याल से, 12-13 में हुआ है। मजाक था ISL के पहले 2-3 साल, बट इवेंचुअली लुक एट द स्ट्रक्चर व्हाट दे बिल्ट नाउ। खैर आई थिंक उधर अब भी वो मसले अंडर हैं, बट मोर प्रोज ओ डेफिनेटली मोर प्रोज ओवरऑल भाई, मोर स्ट्रक्चर को, प्रोज मोर प्रोज। मोर तो मोर यार प्रोज फॉर श्योर। इन स्ट्रक्चर्स के अलावा इट इज अनफेयर फॉर आस टू आस्क द प्लेयर्स टू परफॉर्म एट अ वेरी हाई लेवल, सॉरी नहीं हो सकता अच्छा, आपको। ये यहाँ पे बड़ा अच्छा एक सेगवे है, क्योंकि मैंने ना एक कॉन्वर्सेशन करनी आई थी, एक डिस्कशन होना बड़ा ज़रूरी है, और जो लोग सुन रहे होंगे शायद उनको भी ये डिस्कशन ज़रूरी लगती हो, बट मुझे अब समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली सवाल क्या करूं, बट लेट मी लिंक के मैं किन चीज़ों को मिलाना चाहता हूं, मे बी यू कैच ऑन टू व्हाट आई एम सेइंग। एक चीज़ है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक चीज़ एक्सपेक्टेशन है, मुझे ना थोड़ा टाइम देना वो फ्रेम करने सही में। है एक एक चीज़ है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन है कि जी हमारा तो इकोसिस्टम नहीं है, हमारा कोई लीग स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम तो जिधर भी जाएंगे हम डिसएडवांटेज पे ही होंगे, क्योंकि हमारे ये मसले हैं, ठीक है। मोस्टली जिन हम टीम से खेलेंगे वो चाहे उनकी रैंकिंग हमारे आसपास ही हो, लेकिन उनका हमारे से हाल प्रोबेबली बेहतर ही होगा, क्योंकि इससे बदतर हाल हो नहीं सकता, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है इसके साथ लिंक्ड, रियलिज्म, कि ठीक है फिर आप मैचेस में जा रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक ऑन द टीम, या एक्सपेक्टेशंस के टीम की प्रोग्रेस क्या होगी, राइट, और कितनी आप उसके अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो रियलिस्टिकली, और फिर आप क्या क्रिटिसाइज कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो हाउ वुड यू कंबाइन दीज थ्री कॉन्सेप्ट, क्योंकि बड़ा फिर ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे अगर आप क्रिटिसाइज करते हो फिर आप फिर, और राइटली लोग ये भी बोलते हैं कि यार तुम एक साइड पे बोल रहे हो कि हमारा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ना हमारे प्लेयर कंपीट कर सकते हैं, फिर तुम बोल रहे हो कि प्लान नहीं है, तो यार इनको किस वेरी तरह आप, वेरी आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जो मैं समझ पाया हूँ मैं उसका उस तरह से जवाब देता हूँ, अगर बीच में तुम्हें कोई चीज लगे तुम ऐड कर सकते हो अगर मेरा जवाब सही सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। यार एक्सपेक्टेशन नंबर 1, यार देखो एक्सपेक्टेशन फिलहाल
अगर आप बेसिकली सिंपल टीम परफॉर्मेंस के ऊपर से बात कर रहे हो, ठीक है, इट इज वेरी स्टूपिड टू एक्सपेक्ट कि हम एक पोजेशन बेस्ड ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेंगे, सही है, और उसमें हम सक्सेसफुल होंगे और उसी से हम फास्ट फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे। सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आज तक जितने भी मेरे एपिसोड हुए हैं, हमने जब भी पाकिस्तान को लेके बात की, मैंने कभी भी मे बी फ्लीटिंगली की होगी, बट मैंने कोई कभी भी डायरेक्टली बात ही नहीं की इन पोजेशन की। और मैंने शायद बोला भी ये बात थी कि साल लगते हैं, सालों लग जाते हैं उस इन पोजेशन को, डे इन डे आउट जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो और सुधारते नहीं हो, वो अचीव नहीं हो सकता, नंबर वन। सो ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है इस टीम से। जो मेरी एक्सपेक्टेशन और इस डे टीम इन से डे आउट लीग्स, वो डे इन डे आउट लीग्स का, शहजाद मतलब अनवर नहीं करेगा। नहीं, कोई प्लेयर्स, वही प्लेयर्स किसी टीम में खेलें, और वो या तो दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि भाई बंद कर दो लीग शीग, हाँ, और ठीक फिर है, सारा टाइम नेशनल टीम को ही दे दो पूरा प्लेयर, सारा टीम पूरा नेशनल सारे कैंप को दे दो, और हर उधर ही महीने आप ट्रेनिंग करते रहे। जाओ, आप हर महीने जाओ किसी क्लबों को बोलो दुनिया भर में, यार प्लीज हमसे कुछ मैच खेल लो। हाँ, वो पॉसिबल है, वो एक और बट मॉडल है, उससे आप फिर कर लें। तरक्की नहीं होगी, उससे फिर नेशनल टीम शायद बन हाँ, जाए, नेशनल टीम लेकिन होगी, 4 साल बाद फिर आप दोबारा इस साइकिल में आओगे, क्योंकि 4 साल बाद 22 साल का जब एक नया लड़का आएगा, उसको भी आप इसी प्रोसेस से लेके जाओगे। बट लेट्स नॉट गो ओवर देयर। मेरी एक्सपेक्टेशन टीम से ये है, दो चीजें आपके कंट्रोल में हमेशा होती हैं, यू कैन कंट्रोल योर फिटनेस लेवल्स, सही है, ऑल दो उसका भी लिंक है वापस से, कि अगर आप वो कैंप के बाद जा रहे हैं और घर बैठ रहे हैं तो फिटनेस लेवल टूट जाएगा, ठीक है। आई मीन कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं फिर, मैं तो अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। बट लेट्स से अभी जिस तरह से हम गेम खेल रहे हैं, आई थिंक हम 1.5 महीने से कैंप में मौजूद थे, सही है, और हमने कोई 3-4 गेम्स खेल चुके हैं, राउंड अबाउट 3 गेम खेले, तो उससे पहले एक आध कोई फ्रेंडली भी मैंने सुना है खेला था हमने बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो आप 4-5 गेम्स खेल चुके हो। मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हमारी टीम ऐसी टीम हो, आइडेंटिटी ये हो कि हम वी आर अ टीम हु वॉन्ट्स टू रन ऑल डे लॉन्ग, हु कैन रन ऑल डे लॉन्ग। इफ वी के नॉट आउट प्ले द ऑपोजिशन विथ आर पासिंग एबिलिटी, विथ आर इन पोजिशन स्टफ, वी कैन सर्टनली आउट प्ले दम विथ आर रोबस्टनेस, विथ आर एक सॉरी फिजिकल सॉरी सर, एबिलिटी एक टू और प्रेस। इसके अंदर मुझे चीज़ याद आई है, यूर्गन क्लॉप। अब मैं हाँ ज़ाहिर लिवरपूल फैन हूँ, लेकिन उसके एक कुछ इधर कोट मुझे क्या याद आया, लिवरपूल जब वो आया था तो लिवरपूल यहाँ थी और जो टॉप की टीमें थी वो यहाँ थी, फर्क था। उसने कहा भाई मैं बेस्ट टीम नहीं बना सकता इसे अभी, लेकिन मैं इसको ऐसी टीम बनाऊंगा कि वो बेस्ट टीम को हरा सके, और वो किस तरह के बेस्ट टीम को अपने लेवल पे ले आओ, इतना आउट कंपीट करो उन्हें इन एरियाज के उनके लिए अजाब बन जाए। तो वो हम 100%, टेक्निकली नहीं कर सकते, तो उनको नीचे ले आओ अपने लेवल पे। मैं उसी तरह आने पे जा उसी रुख पे जाने को चाह रहा था कि आप इतना आप प्रेस कर रहे हो, ओके, ठीक है। दूसरी चीज, डिफेंसिव शेप और डिफेंसिव प्रिंसिपल्स रिलेटिवली रिलेटिवली काफी आसान है उनको बेड इन करना, वो जल्दी बेड इन आप कर सकते हो। और आपकी अगर आइडेंटिटी है कि आप एथलेटिसिज्म और आपकी एंड्योरेंस हाई लेवल्स है, आप प्रेस आगे कर सकते हो और आप एक गेम को एक्सट्रीमली एग्रेसिव बना सकते हो, ठीक है। हम तो नहीं खेल सकते इन पोजिशन, हम आपको भी नहीं खेलने दे रहे, और हम उन सिचुएशन से हम हाफ चांसेस क्रिएट करेंगे और हम प्रेशर इस तरह टीम्स पर बिल्ड करेंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। या लेट्स से कि अगर मैं कोच होता, आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ फॉरवर्ड, तो मैं पॉसिबली ये अप्रोच लेता, क्योंकि ये रियलिस्टिक है, ये लिंक है रियलिज्म से, ये लिंक है रियलिज्म से कि यार ये रियलिज्म ही पॉसिबल है मेरे नज़र, मेरे हाथ में इतनी हेम्पर्ड, अगर मैं हूँ, इतना हेम्पर्ड बैकग्राउंड है, इतना हेम्पर्ड एनवायरनमेंट है, ये है। मैं एक बात ऐड करूंगा, लोग बोलेंगे यार ये पॉसिबल कैसे, कैंप 1 महीने का होता है, ठीक है, विद इन अ मंथ लिवरपूल वगैरह प्री सीजन 1 मंथ में 0 फिटनेस से 100% फिटनेस पे आ जाते हैं, ठीक है। आ जीरो जीरो नहीं, तो नहीं होते ऑब्वियसली वो लोग, क्योंकि वो ऑफ सीजन में पहले दिन काम कर रहे डीप होते हैं। टेस्ट पे वो जेम्स मिलनर पता नहीं कितना मारता है, तो वो जीरो पे कहीं से नहीं होते। और यही मैं वो नहीं लिंक है ना होते, हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल, वो लोग घरों पे भी लगे होते हैं। मैंने इसलिए बोला कि जीरो पे नहीं होते, सॉरी, मैं आई थिंक सिग्नल कट गया हाँ, था, अब सिग्नल कट मोहम्मद गया था सलाह जो है फॉर एग्जांपल अपनी हॉलीडे की तस्वीरें लगाते हैं, अगली तस्वीर क्या होती है, जिम में। ये लोग जिम में में, तो तो ठीक लाइफस्टाइल है, ही बट फर्क है। स्टिल आई कैन गेट देम टू, आई मीन काफी सारे प्लेयर्स होते हैं, जैक ग्रिलिश तबीयत प्लेयर, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, खैर मैं वो ला के वहां से, तो जो प्लेयर डायस्पोरा प्लेयर्स हैं जो आ रहे हैं वो तो रेगुलरली लीग खेल रहे हैं। ओटिस खान, व्हाई डू यू थिंक ओटिस खान वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स, क्योंकि वो एक ग्रिम्सबी के साथ एक सीजन खेलते हुए आया है,
एंड ऐसा यू कुड सी हाउ ही कुड रन ही कुड रन ही कुड रन एंड रन एंड रन। मैं ये एक चीज कर सकता हूँ, सही है। और फिर मैं, मेरे पास जो 7 दिन या 4 दिन जो भी है मेरे पास, जब टीम साथ है, हमारे पास एक क्लियर स्ट्रक्चर हो, क्या हम इस तरह प्रेस कर रहे हैं, मेरी आइडेंटिटी हमारी ये हो कि हम हमेशा हाई प्रेस करेंगे, सही है, हम पीछे स्पेस छोड़ देंगे, एनीवेज हम बीच से कार्व आउट हो रहे हैं, व्हाई नॉट लेट्स ट्राई एंड प्रेस एंड रियली डिस्करेज देयर प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ट्राई टू विन दोज बॉल। जितना आगे बॉल जीतूंगा उतने कम पास करने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, उतने ज्यादा पॉसिबल चांसेस हैं गोल करने के। ये बहुत लेमैन टर्म्स में मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशन मेरी होगी, यही रियलिस्टिक भी है। नाउ कमिंग टू क्रिटिसिज्म, मैं ये वाला क्रिटिसिज्म लेने को तैयार हूंगा। मैं इन पोजेशन, अगर लेट्स से आई एम द कोच, आई वोंट टेक दिस क्रिटिसिज्म कि यार इन पोजेशन आप नहीं खेल रहे, आई एम सॉरी आई कैन नॉट सॉर्ट दैट आउट, वेरी वेरी सॉरी, उसको 15-20 साल लगेंगे। मैं उसको सॉर्ट कर ही नहीं सकता, वो इकोसिस्टम सॉर्ट करेगा। आपको क्या लग रहा है, गैरेट साउथगेट जॉन स्टोन्स को सिखा रहा है कि किस तरह से बॉडी एग्जैक्टली पे ट्रेंट करके अलेक्जेंडर पास करना है? आर्नल्ड को उसने मिडफील्डर नहीं बनाना सिखा रहा सिखाया, उसने भाई, उसको सॉरी नहीं सिखा रहा, भेज सॉरी दिया नहीं अंदर सिखा करके रहा। खेल। मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी, ये जो मैंने आपको बात बताई, मैं एक क्रिटिसिज्म, और अगेन वो भी प्लेयर का फॉल्ट नहीं है, बट आवर प्लेयर्स मेंटेलिटी, ये जो हमारे कॉम की मेंटेलिटी है उस तरह की है। क्रिप्टिक मैसेजेस इंस्टाग्राम पे डालना मैंने ओवर द लास्ट 2-3 डेज देखा है, देर आर सम प्लेयर्स, आई डोंट वॉन्ट टू नेम देम क्रिप्टिक आउट, क्रिप्टिक मैसेजेस के, ओ मेरे पे भरोसा नहीं किया और इस तरह के स्टूपिड मैसेजेस, आई एम सॉरी यार, मतलब अनफॉर्चुनेटली यू हैवेंट अचीव्ड एनीथिंग, ना तो आपने कुछ अचीव किया है, ना आप अचीव करने के करीब भी हो। स्टॉप विद दीज स्टूपिड मैसेजेस, स्टॉप प्लेइंग अराउंड ये इस तरह के लोगों को मैसेज देना कि ओ मेरे साथ ज्यादती हो रही है और कोच साहब मुझे नहीं खिला रहे और दूसरे को खिला रहे हैं, ऑल रबिश यार, ये क्रिटिसिज्म मैं बोलूंगा यार, कम ऑन, ये ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से बड़ी कोई मिसाल नहीं है, सही है, दुनिया का राइट बैक, बेस्ट राइट बैक था वो लास्ट सीजन, ही वाजंट प्लेइंग वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है, ही डिडंट अटर वन वर्ड, वन फकिंग वर्ड यार, आई एम सॉरी, आई एम गोना यूज प्रोफेनिटी ओवर हियर, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली इनको आइडिया नहीं है दुनिया किस तरह से चलती है। बेस्ट मसला राइट ये बैक है। इन द वर्ल्ड, मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट राइट बैक इन इंग्लैंड, बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड पॉसिबली इन टर्म्स ऑफ इन पोजेशन एबिलिटीज, और वो इंग्लैंड के स्क्वाड नहीं मेक कर पा रहा भाई, उसने खामोश पीक ईयर्स अपने खामोश मिस चुप कर रहा है, यूरो वर्ल्ड कप सब मिस चुप कर रहा है। चुप रहा चुप रहा, ना इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ना उसके एजेंट ने, ना उसके भाई ने, ना उसके चाचे मामे ने आके पोस्ट किया, हाँ लोग हम जैसे पब्लिक आवाम कर रहे खैर वो थे। तो रोनाल्डो की रिश्तेदार भी कर देते हैं कुछ ना कुछ। रोनाल्डो को मैंने इसीलिए मिसाल ही नहीं दी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रोफेशनल प्लेयर्स हाँ माइंड सेट अप्रोच, और हमारी अनफॉर्चुनेटली, बट इसके अंदर भी थोड़ा बहुत हमारा कसूर नहीं है, उनको आदी ही नहीं है यार वो एक हाई परफॉर्मेंस लाइफ स्टाइल गुजारने के, मैं ये बार बार वर्ड बता रहा हूँ, अच्छा, एक मैं सेकंड, अभी इसको 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 जरा क्रिटिसिज्म की तरफ हम जरा दूसरे टेंजेंट पे निकल गए। उन्होंने कहा इन पोजेशन को मैं क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त, ठीक है, बट दैट्स नॉट फेयर। व्हाट इज फेयर क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन रियलिज्म एंड एक्सपेक्टेशंस जो अभी हमने आप आउटलाइन किया। यार, यू कैन बी वेरी हार्ड टू प्ले अगेंस्ट इफ यू आर बीइंग कार्व्ड ओपन डे इन डे आउट, जिबोटी हो, मालदीव्स हो, दो पास 184 में हो, या सेम चीज कर रहे हैं, यार दो पास करते हैं। आई मीन आई एम सॉरी, बट कहीं ना कहीं तो आप क्या बोल रहे हो, नहीं यार अब हम 1-2 साल तक कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लीग नहीं है, नहीं भाई मैं कह रहा हूँ इन पोजेशन आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, कुछ भी नहीं कर सकते, जीरो राइट, आप आउट ऑफ पोजिशन सॉर्ट आउट कर सकते हो जल्दी, जो ये ऐसी चीज है कि आप यू कैन बिकम हार्ड टू बीट, यू कैन बिकम हार्ड टू बीट, और तो यू कैन कंसिस्टेंसी और प्रिंसिपल्स पे भी आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो आउट ऑफ पोजेशन अब ठीक, हाँ वही आउट ऑफ पोजिशन में उसी उसी चीज पे, के, और आई थिंक ये ये कंस्ट्रक्टिव बाय द वे क्रिटिसिज्म दिस है, इज कोई कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट। क्रिटिसिज्म, मैं यही कहने वाला था, एग्जैक्टली, दिस इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मैं हम वही टीम को पूरी एक्सपेक्टेशन तरह से रख, सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई हमें हाँ कहने की स्टिल जरूरत ही नहीं है। आई स्टिल फील करंट सिचुएशन में मैं पॉसिबली, मैं भी कोच होता, मैं यही प्लेयर सेलेक्ट करता, आई मैं वुड कुछ कोई और प्ले नहीं सेलेक्ट दिस करता, टीम प्रो, आई वुड प्ले दिस टीम सेम मैं लाइनअप। प्रोबेबली यही टीम खेलता -1 or possibly 1 or 2 players, मैं अगर मेरे पास हथियार होते, हाँ आई मैं वुड, या -1 or 2 players, या -1 or 2 players, मैं कोच भी शायद इन्हीं को रखता, क्योंकि और
आई डोंट नो इफ एनीवन इज बेटर देन हिम. सो मैं बट क्रिटिसिज्म कभी राइट है, क्योंकि आई आई डू फील के देर आर सर्टेन अरे अच्छी थिंग्स दैट जगह वी से आ हैव रहा है, टू अच्छी जगह गेट से आ रहा बेटर है, कम एट. इट कम्स फ्रॉम अ गुड प्लेस, या कोई दिस इज मैलेस और वो या नहीं है। और जो या जो दूसरा क्रिटिसिज्म है, जो दूसरा क्रिटिसिज्म का एंगल पूरा था इकोसिस्टम के ऊपर, 8 महीने पहले भी हमने वो बात की है. डर ये है कि अगले 8 महीने भी अगर हम वही बात कर रहे हैं, देन आई एम उस्ताद, सॉरी, देर इज अ अगले सीरियस प्रॉब्लम. अगले देन देर इज नो अगले पॉइंट इन डिस्कसिंग. पिछले 30 40 साल से यही बात कर रहे हैं, तो अगले 8 महीने में तो यही बात होनी है क्या? मतलब आज कोई किबला दुरुस्त हो नहीं गया? यार, अगले अगले तीन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यार हमने 8 महीने पहले बात बोली थी कि भाई कोई लीक नहीं हो रही. मैं लीक के मैं कह रहा हूँ इकोसिस्टम का एक 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 जिगसॉ तो पजल का पूरा करना शुरू करो ना, एक एक पजल एट ए टाइम करोगे ना. हाँ ये है। अभी तो कुछ है ही नहीं ना. अभी आप बोल रहे हो 8 महीने पहले, यार ये प्लेयर्स तो जो है ना एकदम जंग आलूदा थे, कुछ नहीं खेला और ये डायरेक्ट आए. सही है, फेयर इनफ यार, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. 8 months डाउन द रोड यू सेइंग डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. नेक्स्ट 8 months यू सेइंग डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. सो व्हेन डू वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग? इसमें बाय द वे आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द प्लेयर्स, नॉट पॉइंटिंग दिस आउट टुवर्ड्स द कोचेस. समवन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फेडरेशन. समवन हैज टू रियली पॉइंट दिस आउट टुवर्ड्स द फेडरेशन. आई एम श्योर द कोचिंग स्टाफ हैव डन दिस बाय द वे. आई नो इट, आई हैव सीन इट. इस स्पीकिंग एट योर पॉडकास्ट एज वेल, कि यार वो प्लेयर तो लीग खेल के ही नहीं आ रहे. तो आई एम श्योर इनडायरेक्टली उन्होंने भी पॉइंट आउट कर ही दिया है, एंड ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय टू अंडरस्टैंड कि दिस इज सम कंप्लीटली नेसेसरी. बट व्हेन डज द बक स्टॉप? जस्ट प्लीज टेल मी दैट. आप अच्छा, हमने बात की कि पाकिस्तान का आउट ऑफ पोजेशन स्ट्रक्चर जो इंडिया के खिलाफ काफ़ी ख़राब था, ठीक है। हमने ये बात की कि जो 5-2-3 था या 5-4-1 उसे कहना है, उसके अंदर आपके ओतस खान यार और इट्स अ वेरी हारून, एक यार सेकेंड एक इसमें सेकेंड, बाय क्या द वे इसी पे अगर आप रहे, मैं आफ्टर लाइक वाचिंग दिस 7-8 गेम्स आई फील इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू प्ले इन अ 5-2-3 अच्छा, मैं इसी पे डिफेंसिव आ रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर. इसी पे आ ओके रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ओतिस खान और हारून आहमेद काफ़ी वाइड थे, जिसकी वजह से जो दो मिडफील्डर्स थे, राइस नबी और अली उजैर, उनकी साइडों पे काफ़ी जगह होती थी हाफ स्पेसेस में, राइट, और नेचुरली नेचुरली। लेकिन उसको बंद करने के अब डिफरेंट तरीके होते हैं। आप ऑब्वियसली बिल्कुल अगर वो उन दोनों को करीब रखो उनके, और बिल्कुल पासिंग लाइंस जो है वो बंद करो, तो एक वो तरीका है। फिर दूसरा तरीका ये है, दूसरा जो सेंटर बैक मसला ये जंप था, करे, सेंटर बैक सेंटर बैक जंप जंप कर. करे अगर यहाँ, फिर आपका जो है वो उनका जो फुल बैक था उसके ऊपर आपका विंग बैक जंप करे, और सेंटर बैक जो है, क्योंकि आपके पास 3 सेंटर बैक हैं, और कवर आप करें पीछे जो फिर पीछे वो 4 बन जाएं, और वो कवर बॉल साइड पे आके जो बिल्कुल ऑपोजिट जो मुख्तलिफ रास्ते. विंगर है नहीं वो अभी रास्ते हैं। अभी अभी हम हाफ स्पेस की बात कर रहे थे ना, कि जो उनके मिडफील्डर के साइड में, आई थिंक बेस्ट केस है कि सीबी जंप करें उधर, सीबीज जंप और करें, और उसके इसलिए आपके जो बिटवीन द लाइन स्पेसेस कम होनी चाहिए, क्योंकि सीबी ताकि वरना रिकवर पीछे कर से सकें. यस दौड़ता हुआ आ रिकवरी, रहा है कहाँ से बेचारा। और सिमिलरली रिकवरी ऑफ दोस टू होल्डिंग मिडफील्डर्स टू टर्न बैक एंड देन अप्लाई एग्जैक्टली प्रेशर. एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सारे मसले हैं। नाउ आई वॉन्ट टू ट्रांजिशन दिस क्विकली इन टू के हमें क्या, वॉट कैन एंड वॉट शुड वी चेंज वर्सेस कुवैत। यार देखो, अ लॉट ऑफ दीज मैनेजर्स इन इन वर्ल्ड कप्स एंड नेशनल टीम्स से बेस्ट वे टू डिफेंड इन दीज सिनेरियोज वेर टाइम जहाँ कम है, और वो इज अ फ्लैट 4-4-2. ठीक है, यू हैव गॉट टू ब्लॉक्स ऑफ फोर. सही है, यू हैव गॉट, ऐसा नहीं है कि एक फॉरवर्ड आगे प्रेस कर रहा है. बट यार देखो, आई हेट दिस, क्योंकि 4-4-2 के अंदर आके भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, और 5-2-3 में रह के भी आप सब कुछ सही कर सकते हो. इट इज मोर अबाउट प्रिंसिपल्स. बट अगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो दो होल्डिंग मिडफील्डर के साइडों की जगह की है, जो आपने रेज भी किया पॉइंट, आई थिंक उसको आप क्लोज डाउन कर सकते हो विद अ 4-4-2 हाँ, विच इज अगेन मोर. मसला आ जाएगा अगर आपके वाइड प्लेयर्स वाइड ड्रैग हो रहे हैं, तो फिर हाँ पास नहीं, खुल मैं जाएगा। इसीलिए बात बोल रहा हूँ कॉम्पैक्टनेस, मैंने इसीलिए बात बोली कि प्रिंसिपल आते हैं. बट उस रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी है कि ठीक है, दो प्रेसर्स नहीं है आपके पास, स्ट्राइकर्स फॉरवर्ड, और फिर आप 4-4-2 में रह के आप एक साथ मूव कर सकते एक हो, साइड बंद आप कर दो उन दोगों बंद को, कर उधर सकते चले हो, जाएं और फिर सारे शिफ्ट कर जाएं। फिर आप शिफ्ट कर जाएं. ये रिलेटिवली इजी अप्रोच है प्लेयर्स को समझने के लिए भी. आई एम नॉट सेइंग 5-2-3 गलत वो है. मैं कह रहा हूँ कि जो टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं नेशनल टीम्स के अंदर, और जो हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ लोकल हैं जो इन टैक्टिकल सिस्टम्स में, बाय द वे आप इफ यू आस्क सम ऑफ द प्लेयर्स ना,
हैव यू एवर प्लेड इन अ 5-2-3? लेट से नो, एंड दैट इज नॉट देयर फॉल्ट एट ऑल यार. ये डेवलपमेंट की बात होती है कि बच्चा 15 साल के बच्चे को इन मुख्तलिफ फॉर्मेशन में खेलने की आदि बनाते हैं ताकि उसको पता हो कहाँ स्पेसेस हैं कहाँ नहीं है, क्या वो नहीं खेल सकते. इजियर जहाँ मोस्ट प्रोबेबली सबने वो चीज की होगी इज अ 4-4-2, जस्ट मूव अराउंड टुगेदर, बी हार्ड टू बीट, नॉट गेट प्लेड थ्रू एवरी टाइम. ठीक है, अगर पेनिट्रेशन अराउंड कर रहे हैं कर लें, वी कैन स्टिल डबल अप विद द विंगर एंड द फुल बैक. दैट इज वॉट आई फील, बट इट वोंट, आई मीन आई डोंट नो वट दे डू. द कोच अच्छा हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अच्छा ऑफ जस्ट वट शुड बी क्विकली डन. प्रिडिक्शन, जस्ट गिव मी अ स्कोर लाइन, व्हाट डू यू थिंक, पाक वर्सेस कुवैत? यार मैंने कुवैत कभी भी खेलते हुए नहीं देखा तो मे मुझे भी कुछ नहीं, नहीं बट आई थिंक पता. हम लाइक मोस्ट प्रोबेबली हारेंगे. एनीवे, थैंक्स सो मच फॉर डूइंग दिस. इट वाज ग्रेट रिव्यूइंग द मैच विद यू, इवन दो मैच इतना कोई मज़ेदार नहीं हमारे लिए था. लेकिन एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस हैज बीन प्रेसिंग मैटर्स आउट ऑन द माइक. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट ईजी.